हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। वक्त बदला, सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली, वो है एक अटूट विश्वास खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का। रतनलाल सी भावनाथ ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। भारत में जहां लिखा होता है यहां पेशाब ना करें, वहीं पर लोग ज्यादा गंदगी फैलाते हैं। अर्थात जो काम मना किया जाता है वही काम लोग करने में ज्यादा उत्सुक दिखाई देते हैं। जलगांव के आकाशवाणी चौक पर भी कुछ ऐसा ही दिखाई देता है होर्डिंग के मामले में। यहां सामाजिक वनीकरण विभाग की एक बड़ी होर्डिंग है जहां पर सिर्फ और सिर्फ सरकारी विज्ञापन और योजनाओं को ही प्रदर्शित करने का नियम है और इस संबंध में वहां नोटिस भी लिखी हुई है, लेकिन मंत्री से संतरी तक सभी इस बोर्ड का समय असमय इस्तेमाल किया करते हैं। आकाशवाणी चौकामध्ये जो एक मोठा बोर्ड आहे रस्त्यावर जो दिसतो आपला धुळे आणि भुसावळ रोड वरती जो आहे तो सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत लावलेला आहे। त्याची रिसर नगरपालिकेकडून आपण परवानगी घेतलेली आहे आणि तो जो बोर्ड आहे तो फक्त शासकीय जी काही परिपत्रक असतील किंवा शासकीय माहिती ज्या देण्यासाठी जनजागृतीसाठी त्या बोर्डचा वापर करावायचा आहे। या व्यतिरिक्त वैयक्तिक खाजगी किंवा वैयक्तिक कोणी जर आपले बोर्ड लावले त्या ठिकाणी फ्लेक्स लावले तर त्यांच्यावरती आम्ही रितसर कारवाई करण्याबाबतचा आम्ही सूचना देखील तिथे लिहिलेल्या आहेत। परंतु त्याकडे लोकांच्याकडून कानाडोळा केला जातो आहे आणि आपल्या स्वतःच्या पदाचा किंवा ह्याचा गैरवापर करून त्या ठिकाणी लावले जाते। परंतु आपल्या माध्यमातून मी असं सांगू इच्छितो सर्व लोकांना, वैयक्तिक कोणतेही बोर्ड आपण त्या फ्लेक्स आपले लावू नयेत, ते फक्त शासकीय कामासाठीच आहे बोर्ड फ्लेक्स आणि त्याचा फक्त वापर जो आहे तो फक्त शासकीय कामासाठीच केला जाईल। जर असं कोणी केलं वैयक्तिक लावले जर बोर्ड तर आम्ही त्यांच्यावरती पोलीस केस करू, त्याचबरोबर नगरपालिकेला देखील याबाबत सांगू आणि कलेक्टर साहेबांच्याकडे देखील त्याचं निवेदन आम्ही सादर करू की जेणेकरून इथून पुढे त्याचा वापर व्हावा, वैयक्तिक होऊ नये, फक्त शासकीय कामासाठीच व्हावा। इन महाशय के अनुसार प्रतिबंधित कार्य करने में लोग ज्यादा ही उत्सुक रहते हैं। सूत्रों की माने तो यहाँ पर होर्डिंग लगाने के बाद कोई भी उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता, तो आखिरकार कार्यवाही किस पर की जाए। लोगों का कहना है कि यहाँ जिसकी भी होर्डिंग लगे उसी व्यक्ति पर केस दर्ज करवाना चाहिए, ये सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग है। जानकारी के मुताबिक यहाँ जिनकी भी होर्डिंग लगती है जब उनसे पूछा जाता है कि वह सिरे से इंतजार कर देते हैं और कहते हैं कि हमें नहीं पता कि किसने यहाँ पर होर्डिंग लगाई है। ऐसे में प्रशासन को एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि वह कार्यवाही किस पर करे। प्राप्त जानकारी के अनुसार केस तो उस पर बनना चाहिए जिसकी वहाँ पर होर्डिंग लगाई जाती है, लेकिन वहाँ लगने वाली होर्डिंग मंत्री और संतरी एवं नेताओं की होती है, इसलिए कोई भी मधुमक्खी के छत्ते में हाथ नहीं डालना चाहता। लेकिन लोगों का कहना है कि इस तरह से अगर सरकारी संपत्ति का गलत इस्तेमाल होगा तो बाकियों पर कार्यवाही क्यों होती रहती है। जलगांव से धर्मेंद्र राजपूत के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।